स्वागत है मेरे हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है ऐप टेक्नोलॉजी इन हिंदी, जिसमें आपको लेटेस्ट ऐप और ऐप एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाता है। पर डे मैं आपको लिए एक डेली बेसिस से एक वीडियो लेके आता हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मेरा चैनल है ऐप टेक्नोलॉजी इन हिंदी, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और जो बेल आइकन, उस पर क्लिक करके ऑल पे प्रेस कर देंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज का जो टॉपिक है कि यूट्यूब के अंदर आप जो ये जो प्लेलिस्ट होती है उसको आप क्रिएट कैसे कर सकते हैं। प्लेलिस्ट अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको इसको बताऊंगा क्या होता है और कैसे इसको क्रिएट करना है, उसके क्या फ़ायदे हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं वीडियो को। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके और जो वीडियो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं पहले बता दे रहा हूँ कि देखिए, जो प्लेलिस्ट क्रिएट करने से आपको फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके एक प्लेलिस्ट के अंदर सपोज़ करिए 5 वीडियो है, 10 वीडियो हैं, 20 वीडियो हैं, 50 वीडियो हैं, जितनी वीडियो हैं, अगर वो आपका प्लेलिस्ट वायरल होगा तो समझिए आपका एक बार में 10 या 50 या 20 वीडियो एक बार में लोग देखेंगे। कोई भी अगर वीडियो जिसकी आपको किसी की वीडियो आपको अच्छी लगती है या उसका उसमें कुछ यूज़फुल कंटेंट है तो वो हो सकता है आपकी सारी वीडियो देखेगा। तो इससे आपका जो वॉच टाइम भी बढ़ेगा और आपका जो सब चैनल का जो सब्सक्राइब है या सब्सक्राइबर वो बढ़ जाएंगे। तो देखिए, इस तरह से आप कैटेगरी वाइज जो जो कैटेगरी है उस तरह से जैसे मैंने आपके लिए बनाया है, इस तरह से प्लेलिस्ट बना सकते हैं। बनाएंगे कैसे वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपका जो यूट्यूब है उसको लॉगिन करेंगे और आपका जो चैनल है उस पर जाएंगे, चैनल पर क्लिक करेंगे, ये जो प्लस का साइन आता है इस पर आप क्लिक कर देंगे और वीडियो जैसे कोई नई वीडियो आपको डाउनलोड करना है सॉरी अपलोड करना है तो इस पर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर अपलोड वीडियो और गो लाइव का ऑप्शन आता है, जो अपलोड वीडियो उस पर आपको क्लिक करना। उसके बाद आपके सामने ये पॉपअप आ जाएगा, ये जो देख रहे हैं फोल्डर नया खुला हुआ, इसमें आपको या तो ड्रैग करके या सिलेक्ट फाइल करके आपका वीडियो यहाँ से ही अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे। उसके बाद आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन देना है, थंबनेल आपको यहाँ से, अगर कस्टम थंबनेल है तो आपको यहाँ से अपलोड कर देना है। देखिए, ये आ रहा प्लेलिस्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर जो प्लेलिस्ट इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो ऑलरेडी प्लेलिस्ट है वो आपको शो करेगा, जो जो आपकी प्लेलिस्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, के बाद आप सामने एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे क्रिएट न्यू प्लेलिस्ट, आपको यहाँ पे टाइटल देना है। उसके बाद आपका जो विजिबिलिटी क्या रखेंगे आप, जैसे यहाँ पे पब्लिक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर जो ऑप्शन आते हैं पब्लिक के अलावा जो ऑप्शन आएगा, ठीक है, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा आप पब्लिक ही चूज़ करिए, क्योंकि जो पब्लिक ही रहेगा आपका ये प्लेलिस्ट रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, देन इसके बाद आपको क्या करना है, या तो पब्लिक, प्राइवेट या अनलिस्टेड करना है, तो मैं पब्लिक बताऊंगा। पब्लिक करके आप इसको डन कर देंगे, आपका जो प्लेलिस्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। और जो भी जो आपकी वीडियोस है, जो भी सपोज करिए आप कोई भी एक कीवर्ड से को लेकर आप वीडियो बनाते हैं, तो जो भी उस सेम वीडियो होगी, जैसे अगर आपका कीवर्ड टारगेट है यूट्यूब, तो यूट्यूब की जो भी वीडियो होगी उसी प्लेलिस्ट में जाएगी, या जो भी टॉपिक होगा आपका, आपका फिटनेस है, फूड है, या जो भी, तो एक पर्टिकुलर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो उसमें सारी वीडियो उसी प्लेलिस्ट में जाएगी, ये बेनिफिट रहेगा। और अगर वो सपोज करिए अगर वो वायरल हो गया आपका जो प्लेलिस्ट, उसमें आपको बहुत सारा वीडियो आपके हो सकते हैं लोग देखेंगे, उससे आप चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं कि जैसे आपका जो वीडियोज़ है मतलब वो सर्च में भी आने लगता है, अगर अच्छी क्वालिटी उसमें ज़्यादा लोग देखते हैं, ज़्यादा लोग लाइक करते हैं उसको। इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिए, तो जो भी वीडियो देखते हैं, किसी की भी वीडियो देखते हैं, चाहे आप मेरी वीडियो देखते हैं चाहे किसी की वीडियो देखते हैं, उसको लाइक अगर आप देखते हैं उसको, तो लाइक ज़रूर कर दीजिए इस वीडियो को। जैसे मैंने ये देखे बहुत सारे कैटेगरी के यहाँ पे प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, अगर बहुत ज़्यादा ही प्लेलिस्ट है तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, लिखा हुआ सर्च फॉर अ प्लेलिस्ट, आप यहाँ से सर्च कर लेंगे, आपको बार बार नीचे ड्रैग डाउन ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा। तो ये बेनिफिट आपको ये यूट्यूब की तरफ से मिल जाता है। तो आप यहीं से सिंपली न्यू प्लेलिस्ट पे क्लिक करके क्रिएट कर देंगे, और अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है यहाँ पे, जैसे मान के चलिए मैं इस पर सेलेक्ट कर दूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया यूट्यूब पे, अगर मेरा जैसे यूट्यूब का वीडियो है तो मैं इस पर यूट्यूब पे जो प्लेलिस्ट उस पर सिंपली इस पर क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक जस्ट इसके नीचे यहाँ पे डन का ऑप्शन आता है, उस पर मैं क्लिक कर दूँगा तो ये डन हो जाएगा। मतलब इसी प्लेलिस्ट में आप मेरी जो वीडियो रहेगी जो मैं अपलोड कर रहा हूँ वो, जैसे देखिए यहाँ पे आ गया ये, और अगर मैं यहाँ पे इस पर डन कर दूँगा तो मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ कैसे शो करेगा, तो वो इसी पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में जाएगा, इसी कैटेगरी में जाएगा। तो इसका यही बेनिफिट होता है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए अब इसमें आ गया, देखिए यूट्यूब का जो मेरा ये जो प्लेलिस्ट है इसी में आ गया, तो ये बेनिफिट रहेगा आपको। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब भी एक प्लेलिस्ट बनाइए तो अच्छा सा कीवर्ड देख के बनाइए, ताकि जो चांसेस हो ज़्यादा आपका वीडियो लोग सर्च में आ जाए, आपकी वीडियो लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें। ठीक है फ्रेंड्स,
आज के लिए इतना है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में आपको। रेगुलर बेसिस पे एक वीडियो मिल जाती है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक।